तो कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे, करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। कोटा का मामला है जहां पर मृतक अरविंद धाकड़ खीड़ी गांव का था। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन मोर्चरी के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र की कोरल पार का ये मामला है जहां पर करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई है। कोटा का ये पूरा मामला है जहां पर परिजन लगातार मोर्चरी के बाहर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले। बता दें कि मजदूर करंट की चपेट में आ गया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई है। ऐसे में परिजन एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां पर करंट की चपेट में आया है एक मजदूर। मृतक का नाम अरविंद धाकड़ है और लगातार परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के कोरल पार्क का ये मामला। बता दें कि कोटा के अंदर एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया, ऐसे में उसकी मौत हो गई और परिजनों की एक ही मांग कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले। मुआवजा नहीं मिलने तक परिजन विरोध कर रहे हैं, मोर्चरी के बाहर परिजन बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटा का ये पूरा मामला है जहां पर मजदूर को करंट लग गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाकिर अली हमसे जुड़ रहे हैं। शाकिर, देखिए जिस तरह से कोटा के मामला है जहां पर एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया और ऐसे में परिजनों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले, आपके पास क्या ताजा जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, इस खबर में बड़ा अपडेट ये है कि जो है परिजन अब मान गए हैं, क्योंकि विद्युत प्रसारण निगम की ओर से 5 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही गई है। इसके साथ ही पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत भी जो है वहां पर मौके पर पहुंच गए थे मोर्चरी, और उन्होंने भी जो है पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। जिला कलेक्टर से उन्होंने बात की है तो 5 लाख रुपए जो है जिला कलेक्टर ने भी जो है 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात कही है। तो 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात पर अब परिजन जो है मान गए हैं और शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और शव परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है ये अपना आप में सवाल खड़े करती है पूरे विद्युत प्रसारण निगम पर, क्योंकि एक तार जो पानी में तार था उसमें करंट दौड़ रहा था और जब युवक वहां से गुजरा अरविंद तो करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। धाकड़ खेड़ी का ये रहने वाला था और 22 साल इसकी उम्र थी। तो परिजन जो है लगातार इस बात के लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में शाकिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।